हेलो फ्रेंड, मैं हूं सुजाता। एसएसवर्ड जोन में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम जानेंगे पीडीएफ फाइल बनाना। पीडीएफ फाइल दो तरीके से बनाई जाती है। एक तो अगर हमें किसी कस्टमर को ओनली दिखाने के लिए बनाना है तो वो दूसरी तरीके से बनाई जाती है, और अगर पीडीएफ को प्रिंटिंग के लिए भेजना है वो दूसरे तरीके से बनाई जाती है। तो अभी हम सबसे पहले ये देखेंगे कि नेट पर भेजने के लिए पीडीएफ को किस तरह से बनाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले ये देखिए आपका जो डॉक्यूमेंट है उसका साइज कितना है। उसका साइज ये देख लीजिए, अभी हमारा जो डॉक्यूमेंट है उसका साइज है 15x24 इंच में। तो हमें पेज का साइज भी इतना ही करना है। ये देखिए हमने पेज का साइज कर लिया है। अब हमारा जो डॉक्यूमेंट है उस पूरे को एक बार सेलेक्ट कीजिए, कीबोर्ड से कंट्रोल जी कीजिए और कीबोर्ड से पी की को प्रेस कर दीजिए, तो ये पेज के सेंटर में आ जाएगा। अब हमें इस डॉक्यूमेंट को सिलेक्ट करना है। फाइल में जाने के बाद यहाँ नीचे लिखा हुआ है पब्लिश टू पीडीएफ, इस पर एक बार क्लिक करेंगे तो हमारे पास ये छोटा सा डायलॉग बॉक्स ओपन होकर आता है। इसमें यहाँ देखिए ये लिखा है पीडीएफ प्रीसेट। पीडीएफ प्रीसेट में हम यहाँ वेब करेंगे। जब कभी भी कस्टमर को अगर आपको पीडीएफ फाइल दिखानी है तो वो वेब में बनाई जाती है, तो यहाँ पर हमने वेब सेलेक्ट किया। यहाँ फाइल नेम दे दीजिए, आपको जो भी फाइल नेम देना है। हमने बंद दिया और यहाँ सेव एज टाइप में ये आप श्योर कर लीजिए यहाँ पीडीएफ सेलेक्ट है या नहीं। तो अभी देखिए यहाँ पर पीडीएफ सेलेक्ट है। अब हम यहाँ आते हैं सेटिंग में, तो हमने सेटिंग पर क्लिक किया, हमारे पास एक और डायलॉग बॉक्स ओपन होकर आया है। इसमें हम कुछ सेटिंग्स दी हुई हैं उसको देखते हैं। जनरल में ये है, ये देखिए अभी हमारे पास सिर्फ एक डॉक्यूमेंट है, उसको हमने सेलेक्ट किया हुआ था। तो आप यहाँ से सिलेक्शन भी सिलेक्ट कर सकते हैं या आप करेंट डॉक्यूमेंट भी सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ कलर देखिए, कलर का ये ऑप्शन दिया हुआ है। इसमें ये दिया है आउटपुट कलर एज RGB। कस्टमर को दिखाने के लिए हमेशा फाइल को RGB में ही बनाइए, कलर उसका जो है RGB ही रहना चाहिए। तो यहाँ पर RGB है। अब यहाँ डॉक्यूमेंट में आइए, डॉक्यूमेंट में यहाँ देखिए ऑप्टिमाइज फॉर फास्ट वेब व्यू, इस पर टिक करने से ये होता है कि फाइल का जो साइज है वो बहुत छोटा बनता है। वेब पर जो अपन पीडीएफ बनाते हैं उसका साइज छोटा ही बनता है इस पर टिक करने से, क्योंकि जब कभी कस्टमर को दिखाना होता है तो वो छोटे से साइज में ही बनाकर दिखाना होता है। नेट पर छोटा सा साइज अगर आप मेल करते हैं किसी को तो तुरंत सेंड हो जाती है, अगर आप इस पर टिक नहीं करेंगे तो वो फाइल का साइज बहुत बड़ा हो जाएगा, जो नेट पर अपलोड होने में काफ़ी समय लगता है, इसलिए इस पर टिक कर दीजिए। यहाँ ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट में देखिए यहाँ कंप्रेशन टाइप JPG है, इसको जिप में कर दीजिए, ठीक है। अब यहाँ देखिए कलर, ग्रे स्केल और मोनोक्रोम, यहाँ पर इनका जो रेजुलेशन दिया है वो बहुत कम है, 96 96 120। इसका मतलब ये हुआ है कि अभी ये नेट पर दिखाने के लिए हम पीडीएफ बना रहे हैं इसलिए इसका रेजुलेशन कम है। अगर हमें इसको प्रिंटिंग के लिए, तो इसका रेजुलेशन अपने आप अभी आगे जो हमने सेटिंग बताई हुई है यहाँ पर, ये ऑप्टिमाइज, अगर इस पर से टिक हटा देंगे तो यहाँ का जो रेशियो है वो बढ़ जाएगा, वो प्रिंटिंग के हिसाब से सेट हो जाएगा। अब हम यहाँ पर ये देखिए इस पर कुछ करना नहीं है, सिक्योरिटी में भी कुछ नहीं करना। अब हम ओके करते हैं और यहाँ पर आकर सेव करते हैं। ये देखिए हमारी फाइल सेव हो गई। अब हम आपको दिखाते हैं इसको, ये हमारी फाइल ये सेव हो गई है, इस पर हम डबल क्लिक करके ओपन करते हैं। देखिए हमारी पीडीएफ फाइल जो है ओपन हो गई है। अब हम इसको कस्टमर को दिखाने के लिए मेल भी कर सकते हैं। इसका साइज हम बताते हैं, साइज कितना है, यहाँ पर ये दिया हुआ है, इस पर राइट क्लिक कीजिए और नीचे प्रॉपर्टीज पर जाइए, इसमें इसका साइज देखेगा। ये देखिए 1.27 MB, इसका साइज कितना छोटा बना हुआ है। अब हम इस फाइल को कस्टमर को दिखाने के लिए मेल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, जैसा आप चाहें वैसा उनको दिखा सकते हैं, तो ये तुरंत अपलोड हो जाएगी। अब हम देखेंगे प्रिंटिंग के लिए पीडीएफ फाइल बनाना, वो कैसे बनाते हैं। पहले इसको सेलेक्ट कीजिए, फाइल में जाइए, फाइल में जाने के बाद यहाँ लिखा हुआ है पब्लिश टू पीडीएफ, यहाँ एक डायलॉग बॉक्स ओपन होकर आया है, यहाँ फाइल का नेम दे दीजिए, तो हम इस फाइल का नेम दे देंगे फाइनल। अब यहाँ देखिए सेव एज टाइप, सेव एज टाइप में आप ये श्योर हो जाइए कि यहाँ पीडीएफ सेलेक्ट है या नहीं, तो अभी देखिए कि पीडीएफ सेलेक्ट है। अब यहाँ पर पीडीएफ प्रीसेट, पीडीएफ प्रीसेट में ये प्री प्रेस पे क्लिक करेंगे। जब भी हमें फाइल प्रिंटिंग के लिए भेजनी है तो उसके लिए पीडीएफ बनाते हैं प्री प्रेस में। अब यहाँ सेटिंग पर जाएंगे, सेटिंग पर जाने के बाद यहाँ एक डायलॉग बॉक्स ओपन होकर आता है, इसमें देखिए ये जनरल दिया हुआ है,
जनरल में अभी हमारे पास सिर्फ एक ही डॉक्यूमेंट है, करंट डॉक्यूमेंट, या सिलेक्शन अभी हमने किया है तो सिलेक्शन पर क्लिक कर दीजिए। अब कलर में देखते हैं, ये देखिए कलर है, आउटपुट कलर एज, आउटपुट कलर एज में हम यहाँ पर करते हैं CMYK। वैसे तो ये अपने आप नेटिव लेता है, लेकिन हमें श्योर होने के लिए CMYK यहाँ सिलेक्ट करना होगा। अब यहाँ डॉक्यूमेंट में आते हैं, अब ये देखिए यहाँ पर टिक नहीं है, तो हमें इसको टिक नहीं करना है, क्योंकि हमें ये फाइल को प्रिंटिंग के लिए भेजना है, और प्रिंटिंग के लिए अगर हम भेजेंगे तो इसके हमें रेजुलेशन की ज़रूरत होगी, हाई रेजुलेशन की। अगर हम इस पर टिक कर देते हैं तो रेजुलेशन कम हो जाएगा। ये देखिए कंप्रेशन टाइप में जिप दिया हुआ है, यहाँ देखिए इनका रेजुलेशन बढ़ गया, कलर 300, ग्रे स्केल 300 और मोनोक्रोम 1200। यहाँ पर दिया हुआ है कंप्रेस टेक्स्ट एंड लाइन आर्ट। अब हमें क्या करना है, ये जो PDF हमने बनाई बनाने जा रहे हैं, इसमें जितने भी फॉन्ट हमने यूज़ किए हैं, आप चाहते हैं कि ये फॉन्ट जब भी हम प्रिंटिंग के लिए भेजें इस PDF को, तो ये वाले फॉन्ट उनके कंप्यूटर में भी ओपन होना चाहिए, तो आप यहाँ पर सीधा ये कर दीजिए एक्सपोर्ट ऑल टेक्स्ट एज कर्व। इस पर क्लिक कर देंगे तो एज इट इज जैसे हमने ये अपना डॉक्यूमेंट बनाया है सेम वैसा ही वहाँ पर ओपन होकर आएगा। अब यहाँ प्रीपेस में आते हैं, यहाँ हमें कोई छेड़खानी करने की ज़रूरत नहीं है। अभी हमें ओके करते हैं और यहाँ सेव करते हैं। अब ये देखिए हमारी ये PDF फाइल रेडी हो गई है, हम इसको दिखाते हैं आपको। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है फाइनल, हमने फाइनल के नाम से PDF फाइल बनाई हुई थी, और हम इसको ओपन करते हैं। ये देखिए हमारी PDF फाइल ओपन हो गई है। इस तरह से हमने जाना है PDF फाइल कैसे बनाते हैं, कस्टमर को दिखाने के लिए और फाइनल प्रिंटिंग के लिए। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, और इस ट्यूटोरियल से रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू।